हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नोगी चैनल। दोस्तों, आज हम अपने लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी में आप सभी को पता है काफ़ी स्टूडेंट ने जो है फॉर्म भरा है। लगभग 1 करोड़ के आसपास के ऊपर जो है स्टूडेंट ने इसमें फॉर्म भरा है और 1 लाख से ज़्यादा जो है इसमें पोस्ट निकली थी। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको कि इसका एग्ज़ाम क्यों कैंसिल हो रहा है 2019 में और क्या इसकी वजह है और कब से इसका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर अभी तक आपने स्मार्ट नोगी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नोगी चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। साथ ही दोस्तों, हम सभी एग्जाम्स के जो है स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, आप जैसे पता है आपको कि आरआरबी रिक्रूटमेंट 2019 ग्रुप डी लेवल 1। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल वैकेंसी फॉर द पोस्ट है 1,03,769, यानी कि 1,03,769 पोस्ट के लिए जो है एप्लीकेशन जारी किया था आरआरबी ने, जिसमें आप पोस्टेस देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एसएनटी डिपार्टमेंट्स, ये सब डिपार्टमेंट थे, जिसमें ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 हेल्पर असिस्टेंट, ये सभी पोस्ट्स पे जो है एप्लीकेशन जारी हुए थे। तो दोस्तों, जो जारी हुआ था नोटिफिकेशन वो हुआ था आपका 12 मार्च को। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 12 मार्च को जो है ऑनलाइन जो है इसका वैकेंसी जारी कर दी गई थी 1,03,769 पोस्ट के लिए। और उसके बाद अब देखते हैं हम इंपॉर्टेंट डेट्स, जब इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था उस टाइम पे क्या क्या नोटिफिकेशन आपको मिला था, कौन कौन सी जानकारी आपके पास उपलब्ध थी। तो दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था 12 मार्च 2019 को। उसके बाद आप स्टार्ट टू अप्लाई ऑनलाइन जो आप कर सकते थे वो 12 मार्च से स्टार्ट हो गया था। लास्ट डेट जो दी गई थी वो थी 12 अप्रैल और क्लोजिंग फॉर टाइम फॉर पेमेंट एप्लीकेशन के लिए 18 अप्रैल से लेके 1 बजे तक दोपहर में, यानी कि 18 अप्रैल आपका टोटल जो है फॉर्म को लेके सारी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी थी। यानी 18 अप्रैल को आपका टोटल जो है जितना भी आपको फॉर्म भरने का लेट फीस वगैरह जो भी था सब कुछ आपको लास्ट डेट जो दी गई थी वो 18 अप्रैल को दी गई थी। क्लोजिंग डेट टाइम फॉर पेमेंट एप्लीकेशन देखिए 23/4 को दिया गया था, यानी कि 23 अप्रैल तक आपको जो है एप्लीकेशन का जो है टोटल जो है फीस वगैरह भरना जो ऑनलाइन था वो 23 अप्रैल को ख़त्म हुआ। अब फाइनल सबमिशन जिसे हम कहते हैं कि टोटल एप्लीकेशन जो ख़त्म होता है वो हो रहा था आपका 26 अप्रैल को, यानी कि पूरा अप्रैल महीना आपका जो है फॉर्म भरने में चला गया दोस्तों। 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था और 26 अप्रैल तक आपका जो है टोटल ये प्रक्रिया चली, क्योंकि बहुत लंबी प्रक्रिया थी, काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब देखते हैं ग्रुप डी का एप्लीकेशन स्टेटस 25 जुलाई 2019 को आया। जो पहला एप्लीकेशन स्टेटस क्या आया कि आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम डेट्स है वो अक्टूबर 2019 में होगा। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद से आपने काफ़ी वीडियोस देख चुके होंगे कि एग्ज़ाम अब आ रहा है, नेक्स्ट मंथ में है, इस तारीख से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको फाइनल जो आपको आज बताने वाला हूँ कि अक्टूबर में जो 2019 में आपका एग्ज़ाम होने वाला था और आज 10 अक्टूबर का डेट है दोस्तों, और अभी तक जो है आरआरबी ने कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं की। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस समय जो है काफ़ी जो है इलेक्शंस का टाइम चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा, जैसे मैं आपको बता दूँ सबसे मेजर में देखा जाए तो महाराष्ट्र में इस समय इलेक्शन चालू होने वाले हैं, लोग 20 अक्टूबर के आसपास में जो है होने वाले हैं। तो ये 20 से लेके 21-22 जो 21 तारीख तक जो हमारा इलेक्शन टाइम चल रहा है, उसके बाद एक हफ्ता लगभग जो जाएगा इसमें काउंटिंग वगैरह में, तो ये पूरा अक्टूबर महीना जो है दोस्तों आपको जो है इलेक्शन में जाने वाले हैं। और इलेक्शन में जब समय जाएगा तो दोस्तों पता है आपको कि कोई भी सरकारी काम तब नहीं होता जब आचार संहिता लागू हो जाती है। तो आचार संहिता के हिसाब से दोस्तों आपको अक्टूबर नवंबर पूरा जाने वाला है, क्योंकि इलेक्शन टाइम है और कोई भी सरकारी काम नहीं होने वाला है। और इतनी बड़ी भर्ती जो है दोस्तों बिना सरकारी मदद के ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में जो है लोगों को उपलब्ध कराना 1 करोड़ के आसपास। जी हाँ दोस्तों, 1 करोड़ के पास जो है इस पर एप्लीकेशन आ चुके हैं, इससे प्लस में ये दोस्तों मैं इसे भी आपको एक औसत बता रहा हूँ कि 1 करोड़ के आसपास लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब इतनी बड़ी मात्रा में जब स्टूडेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया है तो इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया लगेगी, लगभग जाने के आप उम्मीद कर सकते हैं कि 2 से 3 महीने के बीच में। जी हाँ दोस्तों, 2 से 3 महीने के बीच में जो है आपका ये एग्ज़ाम की प्रक्रिया संपन्न होगी, और इसके लिए दोस्तों एक लंबा समय चाहिए, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए और काफ़ी टीचर्स के लिए और साथ में एग्ज़ाम सेंटर के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो एक माहौल होता है, जो एक फ्री टाइम होता है, और ये फ्री टाइम दोस्तों आपको पता है कि इस समय जो है अक्टूबर नवंबर में इस समय फिलहाल एग्ज़ाम चालू हैं यूनिवर्सिटीज़ के, और अभी भी इलेक्शन टाइम चालू हैं, और अक्टूबर नवंबर ये पीरियड बीतने के बाद आपके 1 महीने की छुट्टी हो जाती है दिवाली को लेकर। तो दोस्तों, ये दिसंबर भी पूरा बीत जाने वाला है और आपका कोई भी एग्ज़ाम जो है दिसंबर के पहले नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, अब एग्ज़ाम जो है दिसंबर के पहले नहीं हो रहा है तो इसका मतलब एग्ज़ाम अब होगा 2020 में। जी हाँ दोस्तों, 2020 में आपका जो है इसका शुभारंभ होगा, जो आपका आरआरबी ग्रुप डी का 1,03,769
69 पोस्ट है। इसका जो एग्ज़ाम होगा आपका दोस्तों जनवरी के फर्स्ट वीक में। जी हाँ दोस्तों, जनवरी के फर्स्ट वीक से लेकर ये लगभग मार्च तक जो है आपका ये कंप्लीट होगा पूरा प्रोसेस दोस्तों, क्योंकि जनवरी से लेके ये मार्च तक यानी 3 महीने के अंदर जो आपको पर डे 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है दोस्तों, 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने के बाद जो है दोस्तों आपको जो है ये प्री प्रक्रिया सम्पन्न होगी। और 2019 में आपको RRB ग्रुप डी को लेकर चिंता की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि 2019 में कोई भी शेड्यूल नहीं है इस समय RRB के पास जो फ्री हो और आपका जो है ग्रुप डी का एग्ज़ाम कंडक्ट करा सके, क्योंकि इतनी बड़ी भरी भर्ती को करने के लिए एक लंबा समय चाहिए था, एक लंबा फ्री टाइम चाहिए था जो इस समय RRB के पास नहीं है। तो दोस्तों जनवरी से आपका जो है स्टार्ट होगा ग्रुप डी का एग्ज़ाम, यही अपडेट आपको देने थे दोस्तों। अगर कुछ आपको इसके बारे में और भी हमसे पूछना है या जानना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं, हम उसके आंसर्स आपको वहीं पे दे देंगे। और कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों स्मार्ट न्यूज चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ।